दोस्तों, फिल्मी दुनिया में जितना आज के समय मेनस्ट्रीम स्टार को महत्व दिया जाता है, उतना ही महत्व 70-80 के दशक के दौरान विलेन को दिया जाता था। गुजरे जमाने में ऐसे कई विलेन हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने अभिनय से बल्कि दमदार डायलॉग्स और खतरनाक लुक से भी दर्शकों को रोमांचित किया है और उन्हें प्रभावित किया है। आज हम उन्हीं में से एक ऐसे विलेन की जीवनी लेकर आए हैं जिन्होंने अपने नेगेटिव रोल से सभी को हैरान कर दिया और अपने आप को एक महान खलनायक के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 70-80 और 90 दशक के दौरान फिल्मों में नेगेटिव रोल निभाने वाले मशहूर अभिनेता जोगिंदर शैली के बारे में। उन्होंने एक पायलट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और देखते ही देखते फिल्मों का रुख किया। फिल्मों में आने के बाद यहाँ से इतना लगाव हो गया कि फिर कभी अपने पुराने प्रोफेशन के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। मुश्किल हालातों से गुजरते हुए उन्होंने अपने दम पर एक नया मुकाम हासिल किया, लेकिन किसी ने, यहाँ तक कि शायद उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी मौत इतनी दर्दनाक होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन से रूबरू तो कराएंगे ही, साथ ही उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। इसलिए जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, उनका जन्म 4 जुलाई साल 1949 को पाकिस्तान के खानेवाल में एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन की वजह से उनके परिवार को मजबूरन अपना गांव छोड़ना पड़ा। उनका पूरा परिवार भारत आ गया और फिर यहीं पर उनका पालन पोषण हुआ। वैसे उनकी शुरुआती पढ़ाई और हायर स्टडीज के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्मों में अभिनय करने से पहले वे एक पायलट थे। जी हाँ, और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए वे काम भी करते थे, लेकिन उनका झुकाव फिल्मों की तरफ गया और वे फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आ गए। आपको बता दें कि जब वे फिल्मों में काम करने के लिए आए थे तो उन्हें कोई भी काम नहीं दे रहा था। एक तरह से मुख्यधारा की सिनेमा ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था, लेकिन ये हार नहीं माने और अपने पुराने प्रोफेशन में भी नहीं गए। उन्होंने सी और बी ग्रेड की फिल्मों से काम चलाना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1970 में की। वैसे लोगों के बीच उनकी पहली फिल्म को लेकर भी काफी कंफ्यूजन है, लेकिन खबरों के मुताबिक उनकी पहली फिल्म पूरब और पश्चिम थी जो 1970 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने बेहद ही छोटा सा रोल किया था। इस फिल्म में अशोक कुमार, मनोज कुमार और विनोद खन्ना के साथ सायरा बानो और निरूपा रॉय मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। ये उस साल की चौथी हाईएस्ट फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म बचपन में अभिनय किया जो 1970 में ही आई थी। इसमें संजीव कुमार और तनुजा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। इसके अलावा फिल्म में कई अन्य कलाकारों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। जोगिंदर ने इसमें कुंदन के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उनकी तीसरी फिल्म हीर रांझा थी और इसमें भी उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, हालांकि उन्हें अभी तक कोई भी पहचान हासिल नहीं हुई थी। इस फिल्म को चेतन आनंद द्वारा निर्देशित और केतन आनंद द्वारा निर्मित किया गया था। इस फिल्म के गाने काफी पॉपुलर हुए थे। इतना ही नहीं, इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजकुमार के डायलॉग भी काफी लोकप्रिय हुए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। जोगिंदर अभिनय तो कर रहे थे और उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका भी मिल रहा था, लेकिन उन्हें अभी तक कोई खास लोकप्रियता हासिल नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने साल 1972 में आई फिल्म बिंदिया और बंदूक को निर्मित किया। ये उनकी पहली बी ग्रेड फिल्म थी। उस जमाने में बी ग्रेड फिल्मों के लिए काफी बड़ा मार्केट था। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जो अंदरूनी तौर पर काफी लोकप्रिय हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने रंगा डाकू की भूमिका निभाई जिसे काफी सराहा गया। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया जैसे हंगामा, मेहमान, ठोकर, चौकीदार, पत्थर और पायल, रंगा खुश, वारंट, अमानत, आदमी सड़क का, पंडित और पठान, सावन के गीत और दो शिकारी। दोस्तों, जब उन्हें फिल्मों में अभिनय करके अधिक कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने आगे भी निर्देशन और निर्माण का काम जारी रखा और साल 1975 में आई फिल्म रंगा खुश और साल 1977 में आई फिल्म पंडित और पठान, इन दो फिल्मों का निर्देशन किया।
ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें मुख्य धारा की सिनेमा एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने खुद ही फिल्मों को निर्देशित और निर्मित करने का काम शुरू किया था। रंगा खुश फिल्म में भारत भूषण, धीरज कुमार, अरुणा ईरानी और नजीमा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। इसमें जोगिंदर ने रंगा की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके द्वारा किए गए अभिनय को सभी ने पसंद किया और इससे वे दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। आपको बता दें कि इस फिल्म में काफी हिंसा दिखाई गई थी और जिसके कारण इसकी चर्चा पार्लियामेंट में भी की गई थी। दरअसल इस फिल्म में रेप सीन काफी ज्यादा थे। वहीं पर फिल्म पंडित और पठान एक एक्शन फिल्म थी जिसे निर्देशित करने का काम जोगिंदर ने ही किया था। इस फिल्म में महमूद ने पंडित और जोगिंदर ने पठान का किरदार निभाया था। अधिक हिंसा के चलते इनकी फिल्मों को सेंसर बोर्ड से पास करने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसी तरह वो फिल्मों में काम करते गए और समय के साथ साथ दर्शकों के बीच एक खूंखार विलन के रूप में स्थापित हो गए। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि साल 1975 में आई फिल्म शोले उनकी फिल्म बिंदिया और बंदूक से इंस्पायर्ड थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया था कि मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी के द्वारा बोला गया डायलॉग मुगैम्बो खुश हुआ उनकी पंच लाइन फिल्म रंगा खुश से इंस्पायर्ड थी। दोस्तों, वे अपने जीवन में कभी भी किसी परिस्थिति से भागे नहीं और लगातार अपने अभिनय से दर्शकों को रोमांचित करते गए। 80 और 90 के दशक में भी उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था जिसमें बदले की आग, बेताब, प्यासा शैतान, मर्द, आदमखोर, लोहा, हुकूमत, घर का चिराग, शहजादे, हातिम ताई, दुश्मन देवता, पुलिस और मुजरिम, गैंगस्टर, जय विक्रांता, यस बॉस और मेहंदी जैसी फिल्में शामिल हैं। साल 1984 में आई फिल्म प्यासा शैतान में उन्होंने शानदार अभिनय किया था और इस फिल्म का निर्देशन जोगिंदर द्वारा ही किया गया था, जो एक हॉरर फिल्म थी, जो एक मलयालम फिल्म की रीमेक थी जिसमें कमल हसन ने अभिनय किया था। दोस्तों, उन्होंने 90 के दशक में फिल्म स्टार सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के साथ भी अभिनय किया था जिसमें आतंक ही आतंक, औजार और यस बॉस जैसी फिल्में शामिल हैं। इतना ही नहीं, उनकी सी ग्रेड फिल्म में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी अभिनय किया है जब वह अपने दिनों में काफी संघर्ष कर रहे थे। आपको बता दे कि उन्होंने अपनी पुरानी फिल्म बिंदिया और बंदूक का सीक्वल तब रिलीज किया था जब जेपी दत्ता की बड़े बजट की फिल्म एलओसी रिलीज हुई थी। उनकी आखिरी फिल्म भी बिंदिया और बंदूक 2 थी। इस फिल्म के बाद वे आगे फिल्मों में दिखाई नहीं दिए। दोस्तों, उनके निजी जीवन के बारे में अधिक जानकारी नहीं है और न ही कभी उन्होंने जिक्र किया। वे अपने परिवार को लाइमलाइट की दुनिया से बिल्कुल अलग रखते थे, लेकिन खबरों के मुताबिक उनके 3 बच्चे थे जिनमें से एक बेटी और 2 बेटे थे। फिलहाल वे कहाँ हैं और क्या करते हैं इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसके अलावा उनके माता पिता के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने अपने अभिनय से कई लोगों को रोमांचित किया और न ही सिर्फ अभिनय से बल्कि निर्देशन से भी सभी को प्रभावित किया, लेकिन उन्हें जो सम्मान फिल्म इंडस्ट्री और लोगों से मिलना चाहिए था शायद वो नहीं मिला। अपने जीवन में उन्होंने कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया जिसका जिक्र हमने किया, लेकिन वे अधिक समय तक दर्शकों को रोमांचित नहीं कर पाए और किडनी और लीवर के प्रॉब्लम की वजह से 59 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और वे दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। वैसे सच में इस तरह के लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जो इतनी समस्याओं के बाद भी डट कर सामना करते हैं। आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप उन्हें और उनकी अदाकारी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।